वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज के कामयाब इख्तिताम के बाद सर्टिफिकेट्स को तकसीम करेंगे और न सिर्फ 6 माह के इस हुनर की तरबियत के कोर्स के इख्तिताम पर सिर्फ सर्टिफिकेट्स देंगे बल्कि हम अपनी जानिब से टेलरिंग करने वालों को मशीन भी तकसीम करते हैं तो वो भी आज करेंगे और ब्यूटिशियन के कोर्स के तकमील के बाद जो तरबियत हासिल की इस तरबियत के जरिए रोजी रोटी कुछ कमाने के लिए ब्यूटिशियन किट भी हम दे रहे हैं उसके साथ में। तो मैं बताना यही चाहता हूं आपको, थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका, उम्मीद करता हूं कि इजाजत है कुछ वक्त लेने की क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हैं, मुझे इस बात का एहसास है, तो इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि आप तमाम जो इतनी रहमत इतनी देर से उठा रहे हैं थोड़ी और रहमत उठाने की दरखास्त करूं और आपसे इजाजत लूं। सबसे पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 3 चीजें मेरी नजर में, शायद मैं गलत हूं मगर मेरा तजुर्बा मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि किसी भी कौमों के उमूल या जवाल में 3 चीजें बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। सबसे पहली चीज किसी भी कौम के उरूज का जामिन बनती है तो वो उसका मजबूत ईमान है।
दूसरी चीज मेरी नजर में उरूद या जवाल का बाइस बनती है तो कौम का इत्तेहाद, और तीसरी चीज उरूद या जवाल का बाइस बनती है तो वो इल्म। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। और ईमान का अरबी में मतलब क्या है? ईमान का अरबी में मतलब है कि ज़वाल शिकस्त, कि अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि शिकस्त को ज़वाल दे सको, उसी को ईमान कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, अगर तुम्हारा अमल में सच्चाई होगी, अगर तुम्हारा अमल सच्चा होगा, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, तो अगर हम कुछ देखना ये है कि अगर हमारे हाथ में अगर कोई बीन है तो हमको देखना है क्या यह बीन सच्ची है। अगर बीन सच्ची है तो हमको देखना यह है कि हम इस सच्ची बीज को जिस जमीन में बोने जा रहे हैं क्या यह जमीन साले है। अगर बीन सच्ची है, जमीन साले है, तो अल्लाह खुद अपने रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्ची दीन साले जमीन के सीने को चाख करती हुई अपने कामयाबी के झंडों को गाड़ देगी। ये ईमान है। ईमान की मजबूती, अगर ईमान कमजोर तो दुनिया में हमारी जिंदगी में कई कमजोरियां आ जाती। ईमान मजबूत तो दुनिया की हर मुसीबत का हम मुकाबला कर सकते हैं। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उसी को आजमाता हूं जो मेरी नजर में करीबी बंदा है, और मेरी आजमाइश में जो सजदे शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश होगा, और मेरी आजमाइश में जो उससे नाराज होगा मैं भी उससे नाराज होगा। तो आपको हमको इस बात पे तवज्जो देनी होगी कि ईमान को मजबूत करें और दुनिया की आजमाइश में सजदरे होकर अल्लाह का शुक्र करें। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को ना भूलें कि इस दुनिया में हमारा ख्याम आरजी है, और दुनिया का हर मनसब, दुनिया की हर कामयाबी, दुनिया की हर ताकत भी मुस्तकिल नहीं होती, वो भी आरजी है। आज अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो जरूरी नहीं है कि ताहया है, और इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम जब दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे काम में अजान भी जाती है। अगर घर में कोई पैदा होते हैं तो घर के बड़े कहते हैं कि मस्जिद के मौलवी साहब को लाओ, या नेक लोगों को बुलाओ, या अपने पीर मुर्शिद को बुलाओ, और बुलाने के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है वो कान में अजान दी जाती है। कान में अजान दी जाती है। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि पैदा होने पर कान में अजान दी जाती है, लेकिन अगर किसी घर में मौत हो जाती है तो नमाज जनाजा की अजान नहीं होती, नमाज जनाजा की अजान नहीं होती। तो जितना वक्त अजान के बाद जमात के ठहरने का है उतना ही वक्त इंसान की जिंदगी और मौत का है। तो हमको दुनिया की नहीं, हमको फिक्र करनी है तो अपनी आखिरत की, हमको फिक्र करनी है तो उस मुस्तकिल ख्याम की जो इस दुनिया के बाद हमको नसीब होगा। जो नसीब होगा तो कैसे नसीब होगा? हमारे आमाल की वजह से नसीब होगा।
अच्छे अमाल तो जन्नत मिलेगी, नेक अमाल तो जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल तो हमको दो दफ मिलेंगे। लेकिन ये भी एक बात को हमको भूलना नहीं चाहिए कि हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना है, न सिर्फ अमाल का हिसाब देना है बल्कि हर एक चीज का हिसाब देना है उसको। मसलन मुझे भी हिसाब देना होगा, मुझे भी हिसाब देना है अपने अमाल का, हर चीज का। उसके साथ साथ और एक हिसाब अल्लाह हमसे ये भी तलब करेगा कि इतनी दौलत थी, इतनी पैसे आए थे, तो इसका भी हिसाब दो। गरीब का हिसाब शायद कम होगा लेकिन हम जैसे रईसों को तो बहुत हिसाब का जवाब देना। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि गुर्बत मईशत की कमजोरी से नहीं होती। गरीब वो होता है जिसके पास ईमान कमजोर होता है, वो मेरी नजर में गरीब है। गरीब वो होता है जिसके पास मजबूत इत्तेहाद नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास इल्म नहीं। रईस वो होता है जिसके पास ईमान है, रईस वो होता है जिसके पास इत्तेहाद है, कामयाब वो होता है जिसके पास इल्म होगा। तो आज आपको और हमको इस बात पर गौर और फिक्र करनी होगी कि ईमान की मजबूती लाजिम व जरूरी है कौमों के उरूज के लिए, तो इत्तेहाद जरूरी है कौमों के उरूज के लिए। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद ना होगा तो फिर हम हालात का मुकाबला कैसे करें। और इस चीज को याद रखो कि कोई हमारी मदद को आने वाला नहीं है, हमको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, हमको खुद अपने इत्तेहाद की सीसा फिलाई हुई दीवार के जरिए हमारे दुश्मनों का मुकाबला करना होगा, अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी, अपनी शरीयत की हिफाजत करनी होगी, अपने मसाजिदों की हिफाजत करनी होगी, अपनी आबादियों की हिफाजत करनी होगी, अपने मां बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी होगी, अपने रोशन मुस्तकबिल की हिफाजत करनी होगी, और तारीखियों को दूर करते हुए नए उजालों को लाना होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए ही इस बात को समझना होगा। और इल्म, तीसरी चीज इल्म, कौमों के उरूज और जवाल में इल्म का बहुत अहम रोल रहता है। और वो कौम जो इल्म से महरूम रहती है वो न सिर्फ उरूज बल्कि कामयाबियों से भी महरूम रहती है। वो कौम जिसके पास इल्म होता है वो कौम दुनिया की इमामत करती है। और आज हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो आज हमारे पास इल्म नहीं है। लेकिन हमने सालार-ए-मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए दुनिया को यह बताने का बेड़ा उठाया है कि तुमने हमको मौकों से महरूम रखा, इसलिए हम पीछे थे, देखो आज मौके मिल रहे हैं, तो दुनिया की दौड़ में हम सबसे आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे और दुनिया की इमारत हमारे हाथ में आएगी। ये हम पैगाम देना चाहते, ये हम बताना चाहते। आज इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाएंगे जरूर, लेकिन हम कौन के इल्जाम की परवाह नहीं, इसलिए परवाह नहीं कि हमारा काम दुनिया की रजा के लिए नहीं है, दुनिया की खुशी के लिए नहीं है, दुनिया वालों को राजत करने के लिए नहीं है, हमारा काम अल्लाह की रजा के लिए है, हमारा काम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत के लिए है, और हमारा काम हमारी आखिरत के लिए है। दुनिया हमारे काम का जब दे लगे, हमारा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है आखिरत में अल्लाह जरूर मुझे हमारे काम का अजर अता करेगा। ये जज्बा है। दुनिया की कोई ताकत
इस जज्बे को हिला नहीं सकती। दुनिया की कोई कुव्वत इस जज्बे को झुका नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत इस जुनून को कमजोर नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि हमारे ईमान में पुख्तगी है, हमारे सफों में इत्तेहाद है, और टूटा टूटा कमजोर इल्म ही सही, छोटा मोटा इल्म से अल्लाह ने हमको नवाजा भी है। इसलिए हमारा अज़्म न कम होगा, न इरादे कमजोर होंगे, न हमारे जुनून में कोई फर्क आएगा। एक जुनून है और जिनके नाम से ये ट्रस्ट बनाया गया, सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट। सालार का जुमला याद आता है कि सालार बार बार कहते थे कि मंजिल जुनूनी और दीवाने को ही मिलती है। यार वो कहते थे मंजिल जुनूनी और दीवाने को ही मिलती है, मियां कहते थे। हां, हम भी वो जुनूनी है, उस दीवाने के बेटे हैं जिसका नाम सालार था। हम कभी भी रुकेंगे नहीं, अपने मंजिल को हासिल करेंगे। और हमारी मंजिल क्या है? ईमान की पुख्तगी। हमारा मकसद क्या है? इत्तेहाद। और हमारे इरादे क्या है? तालीमी इनकलाब के जरिए अपनी कौम की तालीमी पसमानदगी को दूर करना और दुनिया की इमारत को अपने हाथ में लेना। यह हमारा मकसद है, यह हमारा। अरे अगर चाहे ये इमारत अगर आज कोई बनाना चाहे तो शायद 50 करोड़ के लग जाएंगे इस इमारत को बनाने। 3.5-4 एकड़ जमीन है। अगर ये जमीन खरीदना चाहते हैं तो करोड़ों रुपया तो जमीन के लिए जाएगा। लेकिन आज हमको
मैं आपसे यही कह रहा था कि ये इमारत जहां आप तशरीफ फरमा है, अगर आज कोई इस इमारत को बनाना चाहे तो शायद जमीन और इमारत के साथ 100 करोड़ से जायद लग जाएंगे इस इमारत को बनाने में। न सिर्फ ये इमारत कि ये एक इमारत है, 2 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है इसका, फिर इसके बाद में 45,000 स्क्वायर फीट, फिर अगर हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हाफिज बाबा नगर उमर कॉलेज वहां पे 50,000 स्क्वायर फीट का कैंपस, नजमती एजुकेशनल कैंपस, बाबा नगर में और एक स्कूल जिसका नाम उर्दू अवेसी एजुकेशनल कैंपस, वो भी करीब 50,000 या 55,000 स्क्वायर फीट। फिर हम नरती खुदवाग जाएंगे तो वहां पर भी 50,000 स्क्वायर फीट की इमारत सबीना फरजान एजुकेशनल कैंपस के नाम से, और उससे आगे हम जाएं मोगलपुरा तो 64,000 स्क्वायर फीट की बुलंद इमारत फखरे मिल्लत के नाम से, और उससे आगे जाएं तो आपको नशीमनगर का हमारा पहला स्कूल नजर आएगा, वो भी करीब 45,000 स्क्वायर फीट की इमारत, और उससे अगर हम आगे जाएंगे तो फिर आपको जमाल कॉलोनी की पुरानी हमारे स्कूल की इमारत जो कि 50,000 स्क्वायर फीट की, और उसके बाजू में एक नई इमारत करीब 20,000 स्क्वायर फीट से जहां पे जूनियर कॉलेज चल रहा है। मैं ये इमारतों की बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, इसलिए बता रहा हूं कि इन सारी इमारतों में 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया गया, 15,000 मुफ्त तालीम के साथ के साथ सालाना इन सारे इदारों में 12,000 ख्वातीन को मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, टेलरिंग की ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग, कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग, कार शॉप की ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग, पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने बरस से, करीब 3 बरस से हर स्कूल में हमारा यह सिलसिला जारी है, और 2015 से हमारे हर स्कूल में 10th की कोचिंग का इंतजाम मुसलसल होता हुआ आया है। आज 10 बरस होते हैं, 10 बरस से फ्री ट्यूशन 10th का इंतजाम हम करते हुए आ रहे हैं, हजारों बच्चों को हमने 10th की मुफ्त ट्यूशन की कोचिंग हमने दी है, और अब दो साल से इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, नीट की फ्री कोचिंग, एमसेट की फ्री कोचिंग, आईसेट की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की बच्चों को फ्री ट्यूशन, एमबीए के बच्चों को फ्री ट्यूशन, अकाउंटिंग एंड जीएसटी की तरबियत की फ्री। आप अंदाजा लगाइए इन सारे चीजों सालाना जो खर्चा आता है बहुत ही कम लोगों को मालूम है। ये जो हम 12,000 ख्वातीन को सालाना जो ट्रेनिंग देते हैं वोकेशनल की, जिसमें मेहंदी, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, कार्ड शॉप, फैशन डिजाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, ये है, इस पर हमारा जो खर्चा है तनख्वाहों का खर्चा पूरा, हमारा तनख्वाहों का और स्विमिंग मशीन भी हम जो देते हैं वो आप सुन के हैरत होगी कि कोर्स के तकमील के बाद हर साल 40 लाख की स्विमिंग मशीन हम तकसीम करते हैं, 40 लाख। और फिर ब्यूटिशियन किट 10 लाख रुपया खर्च होता,
और उसके बाद में जितने हम एसएससी, इंटर, नीट, एमसेट, आईसेट, नाटा, इंजीनियरिंग, एमबीए, अकाउंटिंग, जीएसटी, ये सारे कोर्सेज ऑल्सो, ये इसमें मेहंदी, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, कार्चर, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग, इन सब की तनख्वाहों को हम मिलाते हैं तो सालाना 55 लाख रुपया हम सर्व करते हैं सिर्फ इस पर तनख्वाहों पर। 40 लाख के तो मशीन है, 10 लाख ब्यूटिशियन के किट के हैं, तो 55 लाख तनख्वाहों में है। ये हो गया कोचिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग का। तो हमारे जो स्कूल्स चल रहे हैं 15,000 बच्चे जहां पे मुफ्त तालीम हासिल कर, वहां पर जो तनख्वाह महाना ये मैंने अब तक जो बयान किया वह सालाना थी, महाना 51 लाख रुपया सिर्फ तनख्वाहें जाती है स्कूल्स की। तो अगर ये इसको हिसाब कर ले तो करीब 8 से 9 करोड़ रुपया सालाना सर्फ होता है। अब इसमें स्कूलों की तामीर नहीं है, स्कूलों का मेंटेनेंस नहीं है, स्कूलों की लाइट की बिल नहीं है, स्कूलों के पानी का बिल नहीं है। तो आपको बताना मैं ये चाह रहा हूं, अगर मैं चाहता तो ये इमारत किराए पे दे सकता, अगर किराए पे दे दो तो आसानी से महाना 50 लाख तो आएंगे आएंगे। फखरे मिल्लत के लिए मैं नाम लेना नहीं चाहता, नए शहर का एक बहुत मशहूर जूनियर कॉलेज और नीट और एमसेट की ट्रेनिंग का बड़ा मरकज नए शहर वालों ने आकर फखरे मिल्लत मोहनपुरे का जो सेंटर है उसको किराए पे देने के लिए मुझसे दरखास्त की और कहा कि हम 35 लाख महाना देते हैं वे। फिर पुराना डाइजरिंग स्कूल 1 लाख में भूल गए हैं सारी फेरिस्त में उसका नाम ले लेंगे। सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल कैंपस 1 लाख स्क्वायर फुट, अगर वो भी किराए पे दे दो तो उसको भी कम से कम 50 लाख तो आएंगे वहां। अगर उसके बाद में मैं अगर पूरे स्कूलों को किराए पे दे दूं ना तो आसानी से 2 करोड़ रुपये महाना का किराया तो मुझे आ सकता है साल का, 24 करोड़। मैं वो किराया नहीं ले रहा हूं बल्कि अपने जेब से 9 करोड़ रुपये डाल रहा हूं। आप अंदाजा लगाओ, दूसरे रहते तो इमारतों के किराए पे दे देते, 24 करोड़ आ रहे ना, 24 करोड़ में से 4 करोड़ साल में बांट देता था मैं, चलो इसको दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, वो आई मुसीबत ज्यादा इसको दे दो, 20 करोड़ रुपये रख लो अपने ऊपर, अपनी आल पे, अपनी औलाद पे, अपनी जान पे खर्च कर दो। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, इसलिए कि ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी आरजी है। हम सबको किसी को आगे किसी को पीछे इस दुनिया से रुखसत होकर जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, जाना तो सबको है लेकिन जाते वक्त क्या ले जाएंगे, जाते वक्त कुछ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर कुछ जाएगा तो वो अमल जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, और उस अमल के बाद ही आपको जन्नत मिलेगी या फिर आप जहन्नम की आग मिलेगी। अरे ये इतना बड़ा काम, फिर लोग पूछते हैं कि मजलिस क्या करते, 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम क्या ये कोई मामूली काम है? बता दो हिंदुस्तान में कोई है जिसने काम किया? अरे मुझसे पहले भी एमएलएस थे, क्या उन्होंने ऐसा काम किया था? इख्तदार तो बहुतों को अल्लाह ने दिया लेकिन लोगों ने इख्तदार को अपनी आल औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए लिया बनाया, लेकिन अब्दुल्दीन ओवैसी ने इस इख्तदार के जरिए अपनी कौम के मुस्तकबिल को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी ली। और ये काम हमने किया। फिर आज लोग पूछते
में एक मेडलिस्ट ने क्या किया, 15,000 बच्चों में 500 यतीम बच्चे, 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया है, फिर 300 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद या वालदा कोई सीरियस बीमारी में मुब्तला है, या किडनी फेल हो गए या कैंसर हो गया है, या ऐसे है कि अब तक है कभी भी मर सकता है। क्या ये काम? मैं पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, और जो कहते हैं इल्जाम लगाते हैं हम पर, उनसे मैं पूछना चाहता हूं 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम क्या अच्छा काम है या बुरा काम? 500 यतीम बच्चों की कफालत करना, तालीम का इंतजाम करना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? 500 ऐसे बच्चों के तालीम का इंतजाम करना जिनके वालिद ने उनकी वालदा को छोड़ दिया क्या अच्छा काम है या बुरा काम? 300 ऐसे बच्चों की तालीम का इंतजाम जिनकी मां या बाप सीरियस इलनेस में है क्या यह अच्छा काम है या बुरा काम? कारचोप की ट्रेनिंग देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? टेलरिंग का हुनर सिखाना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? कंप्यूटर की तालीम देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस करवाना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, SSC की फ्री कोचिंग देना बच्चों को क्या अच्छा काम है या बुरा काम? इंटर की फ्री कोचिंग देना फर्स्ट ईयर की क्या अच्छा काम है या बुरा काम? इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम? नीट की फ्री ट्रेनिंग देना, कोचिंग देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? MSET की फ्री कोचिंग क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? इंजीनियरिंग की फ्री तालीम देना क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? MBA की तालीम क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? अरे मेरे पास तो 19 फेरिस्ट है, फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। SSC में 1,100 बच्चों को पूरे सेंटर में फ्री कोचिंग, इंटर की 1,807 बच्चे फ्री, MSET में 306 बच्चों को फ्री, इंजीनियरिंग में 100 को फ्री, MBA में 100 को फ्री कोचिंग, अकाउंटिंग एंड DST में 100। ये आप लोगों ने जो कोचिंग हासिल किया इसमें हम और इजाफा कर रहे हैं, और इजाफा कर रहे हैं हम ये वोकेशनल ट्रेनिंग में, जहां पर मेहंदी, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, क्राफ्ट, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, ये सब कोर्सेज के साथ के साथ अब हम कुकिंग एंड बेकिंग के क्लासेस का भी आगाज करने जा रहे हैं। कुकिंग मुगलाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, हर खाने को बनाना, बेकिंग, ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, डेजर्ट्स बनाना, हर एक चीज हम सिखाने वाले हैं। ये क्यों सिखा रहे हैं? ये सब सिखाने के बाद हम अपना ऐप स्वान टेक्नोलॉजीज के नाम से हमने एक कंपनी का आरंभ किया है, उस स्वान टेक्नोलॉजीज के जरिए हम एक ऐप बनाएंगे और इस ऐप में हमारे पास से पास आउट होने वाली मेहंदी का कोर्स करने वाली को हम उस ऐप का एक्सेस देंगे, टेलरिंग का देंगे, ब्यूटिशियन का देंगे, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, कार चौक, फैशन, एम्ब्रॉयडरी, हर एक चीज के साथ कुकिंग बेकिंग का भी हम वो ऐप में हमारे पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस देंगे। और उस ऐप के जरिए अगर किसी को मेहंदी डिजाइन डालना है तो वह ऐप के जरिए अपने करीबी आदमी से रख पैदा कर सकते हैं, और हमारे पास से ट्रेन हुई बच्ची जाकर मेहंदी डालेगी और उसको पैसे मिल जाएंगे। ब्यूटिशियन है तो ब्यूटी का काम करेगी, मिल जाएगा। अगर कोई हमारे पास कुकिंग के क्लासेस लिए हैं, बेहतरीन अगर कुकिंग के, अगर बिरयानी हो या फिर कॉन्टिनेंटल फूड हो, सलाद हो,
तो वो भी हमारे ऐप के जरिए बताएंगे कि हमारे पास वो मौजूद है। अरे आज हम इस तरीके से कौम को, हमारे मिल्लत को, मुस्तकबिल को सजाना और संवारना चाहते हैं। इसमें हमारा क्या फायदा बताइए, मेरी जात का क्या फायदा? अगर एक बच्चा पढ़ लेगा, 15,000 बच्चे पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद क्या मुझे कुछ ना कर देंगे? क्या मैं लूंगा इनसे? नहीं, ये 4,467 बच्चे जो एसएससी, इंटर, नीट, एमसेट, नाटा, आईसेट, जीएसटी, अकाउंटिंग, एमबीए, इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, अमेरिका या लंदन चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, कमाएंगे, तो वो अपनी जिंदगी को सजाएंगे, संवारेंगे, मुझे कुछ देंगे या मुझे कुछ यो बोल के कर रहा हूं, या आज आप जो सीख कर सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे इसके जरिए भी अगर कुछ कमाएंगे तो क्या आप मुझको देंगे? मैं क्या चाहता हूं आपसे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ 3 चीजें चाहता हूं आपसे। एक, ईमान को मजबूत करो, इत्तेहाद को मजबूत करो, और जेवर इल्म से आरास्ता करो अपने आप। और यहां बैठी मेरी कर्मनशील मां और बहनों से कहूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा रा अपने नौजवान बच्चों को समझाओ, बेराहबी की जिंदगी को छोड़ो, तर्क करो, कहो रातों रात रही बनने का ख्वाब है, रातों रात कामयाब हो जाने का ख्वाब है। रातों रात कोई रईस नहीं बनता, रातों रात कोई कामयाब नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। समझाओ, अपने भाइयों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, जरूरी है। आज हमारी नौजवान नस्ल बेराहबी की जिंदगी गुजार रही है, वो जिंदगी ही क्या जिस जिंदगी में कोई मकसद न हो, वो जिंदगी ही क्या जिस जिंदगी में कोई इरादे न हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें कोई अजम न हो। अरे अजम पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, अपने लिए एक टारगेट सेट करो, एक मंजिल मुकर्रर करो कि हमको इस मंजिल तक पहुंचना। जिंदगी में अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इज्जत से नवाजा, नाम से नवाजा, पहचान से नवाजा, ताकत से नवाजा, दौलत से नवाजा, और फिर अब छठवीं मरतबा एमएलए हूं, तो ये छठवीं मरतबा हो जाएगा तो 30 बरस। और क्या चाहिए मुझे बताओ? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो मजबूत ईमान अपनी कौम का, मुझे तो चाहिए तो मेरे कौम में ऐसा ईमान हो के इस ईमान से टकराने की कोई हिम्मत को जरूरत न कर सके, ऐसा ईमान पैदा करना चाहिए। और आज हम जरा कुछ होता है तो परेशान हो जाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे डर और खौफ, घबराहट और मुसलमान साथ में नहीं चलता। अगर मौत की घबराहट होती, अगर मौत से डरते, तो हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में तनहा नहीं निकले। अरे हमारे असलाह, हमारी दीन की तालीम खौफ नहीं सिखाती, ईमानदारी सिखाती है, बेबाकी सिखाती है, खुददारी सिखाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम हाथ फैला कर मांगे, मैं चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मांगे नहीं, बल्कि मेरी कौम देने वाली बने, ये मेरा जिंदगी का। लेकिन बात ऐसे सरपसंद आसन है, सरपसंद आसन है, जो मैंने अपनी इब्तिदा में कहा कि ईमान की मजबूती,
तो ईमान की कमजोरी शैतान कई शक्लों में आके बरगलाता है और मजबूत ईमान को शैतान कमजोर करके हंसता है, फहराता है। तो इसी तरीके से मजबूत इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील करने वाले वो इंतशार के अनासर सिर्फ इल्जाम लगाते हुए मिल्लत के इत्तेहाद के शिराजे को भी घेर कर शैतान को कामयाब करना चाहते। तो आपको गौर करना और फिर इल्जाम लगाते हैं कि इतनी दौलत अकबरुद्दीन ओवैसी के पास कहां से आ रही है। मुझे खुद नहीं मालूम बाबा कहां से आ रही है, अल्लाह दे रहा है, मैं लौटा के अल्लाह के हदीस के बंदों को दे रहा हूं। शिकवा है, शिकायत है तो अल्लाह से कर दो और अल्लाह से करो और अल्लाह से बोलो अल्लाह इसको क्यों दे रहा है, हमको भी दे दे। अल्लाह से करो शिकायत, अल्लाह मुझे दे रहा है। फिर कहते हैं कि अकबर ओवैसी ऐसा वैसा, अरे अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीख को तुम क्या जानते हो दीवानों। अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ने आया तो उस वक्त भी कोई चंदा या चादर फैला के भीख मांग के इलेक्शन नहीं हो रहा था। अरे बाद में देते देते चला, जमीनी दौलतमंद था आज भी दौलतमंद हो, जब कुछ कम किया कुछ ज्यादा है, जमीनी दे रहा आदमी भी दे रहा हो अल्लाह दे रहा है, लौटा के अल्लाह के बदले हो बांट रहा। मगर इनको तकलीफ क्या, अरे अल्लाह दे रहा भी तो इसको क्यों दे, अल्लाह को राजी कर लो अल्लाह उनको भी दे देगा। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, कुरान को सीने से लगा लो, सुन्नत रसूलल्लाह पे अमल कर लो, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख लो, बेवाओं के मददगार बन जाओ, यतीमों यसीनों का सहारा बन जाओ, बीमारों के इलाज कराने के माकद बन जाओ, मुसीबत ज़दा के मुसीबतों को दूर करने वाले बन जाओ तो अल्लाह खुद तुमको भी नवाज दे। लेकिन ये लोग कुछ बनना करना नहीं चाहते, इनका मकसद ये है कि इत्तेहाद को कमजोर करो, इत्तेहाद को कमजोर। अरे मैं अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर मेरी मकानशीन माँ और बहनों के दरमियान में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरी जिंदगी की कोई फिक्र है तो वो फिक्र यही है कि मेरे बाद इन इदारों का क्या होगा, मेरे बाद भी बच्चे पढ़ते रहना, यतीमों का सहारा इन इदारों से बनता रहे, मिलता रहे, बेवाओं की मदद होती रहे, मेरी जिंदगी का जितना भी वक्त बचा है मैं इस बचे हुए वक्त में यह काम करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी ये इदारे मेरी औलाद या मेरी बीवी या मेरे अफराद खानदान के मोहताज रहे कि वो मदद करे, ऐसा बना दूंगा कि खुद ब खुद ये इदारे चलते रहेंगे, रोजे हयामत तक यतीमों की मदद होती रहेगी, रोजे बेवाओं की मदद होती रहेगी, रोजे हयामत तक बीमारों के इंतजाम का सिलसिला जारी रहेगा। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। अरे आज हम इस मकसद को लेकर काम कर रहे हैं और लोग आज इस मकसद को कमजोर करना चाहते हैं, इस मकसद को खत्म करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर तसव्वुर कर लो, अगर हमारे शहर में मजलिस ना होगी तो हमारा हाल क्या होगा। थोड़ी देर आंख बंद करके तसव्वुर कर लो, असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं रहेंगे तो क्या होगा। थोड़ी देर अपने आंख बंद के बंद करके तसव्वुर कर लो, अगर ये इमारत वीरान हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो क्या होगा। खुदा रा समझो, मेरी बात को समझो, मैं आपको और मेरी सारी मुसलमान बुजुर्गों माओं बहनों बेटियों और
समझता हूं, आप मेरे मुसलमान हैं। क्यों है मेरे मुसलमान? इसलिए मेरे मुसलमान हैं क्योंकि अगर मैं आज जिंदा खड़ा हूं, ये इमारत बना सका हूं और आज अगर ये तस्वीर करने के मौसम में हो, तो सिर्फ और सिर्फ आज से 13 बरस पहले आपकी दुआएं थी जिसने मुझे मौत के दरवाजे से खींच कर लाया था। मैं उस एहसान को कभी नहीं भूला। दौलत थी, ताकत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, लेकिन एक ताकतवर नौजवान फिर भी बिस्तर पे बेबस था, लाचार था और आपके दुआओं का मोहताज था। सोचो, इतनी दौलत फिर भी बेबस, इतनी ताकत फिर भी मजबूर, लेकिन ये दुआएं थी जो 3 गोलियां लगी, चाकू के जर्ब लगे, तलवारों से काटा गया, अंतरियां काट के निकाल दिए, गुर्दा में गोली लग गई, आज भी गोली है, लेकिन फिर भी जिंदा हूं तो खासदार हूं। मेरे मुसलमानों के दुआओं का, इनकी दुआएं ना होती तो मेरा बच्चा आज यतीम होता, दुआएं ना होती तो मेरी बीवी बेवा होती। मैं इस एहसान को नहीं भूल सकता, ये एहसान अजीम है। जब तक मेरी हयात है, मेरी औलाद की हयात है, हम आपके दुआओं के खर्च को अदा नहीं कर सकते। अगर हम अपने जिस्म की चमड़ी निकाल कर जूतियां बनाकर आपके पैरों में पहना दें, तब भी आपके दुआओं का खर्च उतर नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। और आज अल्लाह उसका रसूल जानता है, मेरे करीबी साथी जानते हैं कि कितने कर्म में गुजरता है दिन, कितनी तकलीफ में मुसीबत में गुजरती है रात। नौजवान मर्द न समझे, लेकिन एक बहन, एक मां जरूर समझेगी कि पेट का दर्द क्या होता है। कई कई दिन तक खाना नहीं खाता हूं, तड़पता हूं, दस्तरखान में अच्छे लवाजमात पे तो उसके तरफ देखता नहीं हूं, मंडी पर आकर चला जाता हूं। लोग कहते हैं अंदर साहब खाओ तो दिल है खाना बोलता है, अगर बैठकर खा लो तो फिर 10 दिन तक पेट में तकलीफ रहती है, रात भर खाना इस नाक में से, इस मुंह में से निकल जाता है, ना खा सकता हूं ना पानी पी सकता हूं, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। इतनी देर आपसे मुखातिब हो तो लोग समझते हैं कि न खाता न पीता, तो फिर ये क्या है ताकत? अरे ये ताकत ईमान के जज्बे की ताकत है, आपके खुलूस और मोहब्बत की ताकत है, आपके मुस्तकबिल को संवारने के जुनून की ताकत। इसलिए अल्लाह काम ले रहा है, अल्लाह के पास, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेगा, मैं नहीं तो कोई और से नहीं, मगर मैं अपनी हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने गुनेगार को इस काबिल समझा और काम दिया। मैं गुनाहों का पहाड़ हूं, गलतियों का पहाड़ हूं, मगर मेरा ईमान कहता है कि मेरा रब रहमान रहीम, मेरा रब रहमान रहीम है। इस गुनेगार को मेरा रब, मेरा अल्लाह माफ करेगा, इस खताकार बंदे को अल्लाह की रहमानियत से जरूर मुझे माफी मिलेगी। ये मेरा ईमान है। तनकीद करने वालों, तनकीद करो जरूर, लेकिन हमारी नीयत को देखो। नीयत क्या है? नीयत कौम की खिदमत, नीयत क्या है? कौम के ईमान की मजबूती, नीयत क्या है? कौम के इत्तेहाद, नीयत क्या है? कौम के तालीम पसमानदगी को दूर कर। शायद ये इमारत में कोई नफूस होंगे, शायद ये इमारत में कुछ कमजोरियां हों, शायद इसमें कुछ गलतियां हों, शायद हमारे पढ़ाने वाले असाता
मुझमें कोई कमजोरी है, मुझमें कोई खामी है, हम डायरेक्टर्स में कोई खामी और कमजोरी होगी, हम प्रिंसिपल्स में होगी, हम कॉरपोरेटर्स में होगी, लेकिन हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत में यही है कि ईमान को मजबूत करो, मिल्लत की खिदमत करो, तालीम के जेवर से मुस्तकबिल को संवारो। नमाज पढ़ते हैं नीयत बन, कुरान पढ़ते हैं नमाज में भी बाद गलतियां हो जाती हैं, कुरान की तिलावत में भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह कुरान की तिलावत की गलती को भी माफ करता है, नमाज के गलतियों को भी माफ करता है, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले नमाजी की नीयत अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने की थी, अल्लाह की किताब की तिलावत कर। अरे तुम भी तो हमारी नीयत को देखो, हमारी नीयत क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि आप मेरे मोहसिन हैं तो क्यों है मेरे बयान किया, मगर याद रखिए मेरे मोहसिन आप हैं, आपका मोहसिन मैं हूं, आपका मोहसिन मैं हूं, मेरा फर्ज मेरी जिम्मेदारी अपने मोहसिनों के लिए खड़े रहो, और आपकी जिम्मेदारी वो फर्ज है कि आप इस अपने मोहसिन के लिए भी खड़े रहे। अगर मैं नहीं खड़े रहूंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाब दे, अगर आप नहीं खड़े रहे तो आप अल्लाह के सामने जवाब दे। मैंने तो अपना काम कर दिया, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, जिंदगी नहीं रही तो मैदान हश्र में जरूर होगी। आपके दामन को पकड़ के कहूंगा कि अल्लाह मैंने इन लोगों से कहा था, बताया था कि हालात क्या है, मैंने इनको पैगाम दिया था ईमान की मजबूती का, मैंने इनको पैगाम दिया था इत्तेहाद का, मैंने पैगाम दिया था इल्म का। अब आप जाने, आपका अल्लाह जाने, अल्लाह आपको हमको सबको नेक बनाए, नेक अल्लाह हमारे काम को कबूल करो। याद रखो खामों की तारीफ, खामों के मुकद्दरों को फर्ज वाहिद बदल नहीं सकते, खामों की मुकद्दरों को बदलना है तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको उठकर एक दूसरे के खाने से खाना मिलाकर काम करना। अगर कोई ये समझता है कि कौमों के सवारने का काम सिर्फ इस फर्ज वाहिद का है तो ऐ दीवाने अहमद, कौमों के मुकद्दर कौमों के मुस्तकबिल को फर्ज वाहिद नहीं समझते। इंफिरादियत को न देखो, इज्तिमाइयत को देखो, कौम के वसीतर मफाद को तरजीह दो, अपने जाति मफाद को अहमियत कर दो। वो हम जो अपने जाति मफाद को तरजीह देती है मिल्लत के वसीतर मफाद पर, तो वो हम तबाह बर्बाद हो, वो हम तबाह बर्बाद हो जाते। खुदा रा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है, नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। खुदा रा अगर हालात का मुकाबला हो सकता है तो इत्तेहाद हो, इत्तेहाद के जरिए, ईमान के जरिए और इल्म के जरिए इस बात की अहमियत को समझो। मैं परदानशीन मां और बहनों से मुखातिब हूं इस वजह से कि जलसे तो होते हैं, मर्दों साहब शिरकत करते हैं, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है आप जैसी ईमान की हरारत रखने वाली बुरखा नशीन पर्दा नशीन मां और बहनों से मुखातिब होने का। इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ी सी तवील गुफ्तगू कर दी, मगर इजाजत लेके की है अपने गुफ्तगू के अख्तिताम पर मौजरख्वाही भी करूंगा कि तवील होगी, लेकिन मैं ये भी कहूंगा जरूर कि आज सालार-ए-मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट का जो भी काम हो रहा है इस काम में मैं ममनून हूं
मशहूर हूं जनाब शफी साहब का जो 20 बरस से मेरे साथ, जनाब अजीज अहमद साहब का जो 20 बरस से मेरे साथ। मैं ममनून मशहूर हूं अनवर साहब डायरेक्टर साहब का, मैं ममनून मशहूर हूं आदित्य साहब का, मैं ममनून मशहूर हूं जनाब मोहतरमा अंकुल साहिबा, मैं ममनून हूं मशहूर हूं मेरे जमात के सीनियर कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब का जो 30 बरस से मेरे साथ है। 30 बरस से मैं ममनून और मशहूर हूं समद बिन अब्दाद साहब का कि मेरे साथ, मैं ममनून और मशहूर हूं एहसानमंद हूं फहद बिन अब्दाद का, वहाब साहब का, हफीज पटेल साहब का, आजम साहब का, मैं ममनून और मशहूर हूं मेरे साबिक कॉर्पोरेटर का, मैं ममनून और मशहूर हूं मेरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनों का, मैं ममनून और मशहूर हूं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सागर बिन दाब की खबर को नूर से बदल, इस इमारत को उस शख्स ने बदला। एक एक साल दो दो साल पैसे नहीं रहते थे मेरे पास, नहीं देता था तो वो आने की फर्ज लेकर बनाता था और कभी मुझसे पैसे नहीं मांगा और बोलता था नहीं मेरा साहब के पास आएंगे तो मुझे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं और काम जारी रखता। अल्लाह नूर से हमारे नेशनल नगर के प्रिंसिपल साहब बैठी है वहां पर 20 बरस से मेरे साथ, ममनून मशहूर हमारे यहां के प्रिंसिपल पूरे बैठे हैं यहां पर, मैं इनका ममनून यहां सामने भी बैठे हैं प्रिंसिपल, ये सारे ये असातिज़ा जूनियर कॉलेज ये सारे लोग, अरे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने अकेले कुछ किया है ना आगे अकेला कुछ करता हूं, इन सब लोगों की वजह से ये काम हुआ है। चलो आपसे भी एक इल्तिजा है, दरखास्त है कि आप भी और इस काम में जुड़ जाओ, हम और ऐसे सारे अच्छे काम और काम करें। इन इदारों को चलाना मामूली नहीं है, ये नौजवानों को मैंने जिम्मेदारी दी, फहाद को और हमारे इरफान साहब को, इरफान खान साहब को, शाम होते ही ये इरफान फखर मिल्लत सेंटर में रहता है, बल्लागुड़े में आता है, यहां से निकल के फिर रियासत नगर भागता है, रोज सुबह मुझे अटेंडेंस भेजता है, अरे मैं ऐसा ममनून हूं ये इरफान ये फहाद ये नौजवान ये सारी टीम का। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उस हर फर्द की हिफाजत करे जिसने इस खैर के काम में तावन किया, मदद की, हमारे लिए कुछ किया है। इनके साथ साथ जो लोग आज नहीं है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर करे, अल्लाह इन सबकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह इन सबके घरों में खैर और बरकत आता, अल्लाह इनकी आल औलाद का नेक मुस्तकबिल। यहां बैठे हैं हमारे सोशल मीडिया के पूरे टीम, ये सारे लोग कहीं भी गांव मेरे साथ, ये सारे लोग हैं, ये तो नाबी साहब है खड़े हैं इनके जमाने से, ये दाहिर खड़े हैं, ये सलीम बेग साहब के फर्जंद खड़े हैं, यहां इब्राहिम साहब खड़े हैं, यहां पे पूरे सारे लोग, मैं कह रहा हूं नवाज साहब खड़े, ये हमारे सोशल मीडिया के इरफान साहब के साथ, ये सारे लोग मैं कह रहा हूं ये टीम है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में इतना इत्तेहाद है कि इत्तेहाद और हमारे मजबूती की शक्ल ये इमारत की बुलंदी है, ये इमारत की कामयाबी है। मेरी अल्लाह से दुआ है करना आप तमाम के भी मुसीबतों को दूर करे, आप तमाम के परेशानियों को दूर करे, आपके घरों में खैर और बरकत अता करे, और आज जो आपने हुनर हासिल किया है इस हुनर के जरिए अपने पैरों पे खड़े होकर अपने रोजी रोटी का इंतजाम करने की अल्लाह हालात वो इस्तेदाद को बना दे, वो पैदा कर दे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके घरों में जो बच्चियां बैठी हैं इनका नेक नसीबा करा दे, नेक जोड़े इनको अता कर दे, इनकी शादियां करवा दे। आपके घरों में जो बच्चे बेरोजगार हैं अल्लाह इनको रोजगार अता करवाए। आपके घरों में जो बीमार है
अल्लाह की शिफाए कामिला अता करे। आप में से किसी के भी अगर कोई फर्ज है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके फर्जों को दूर फरमा दे, फर्जों को अदा कर दे। अल्लाह हम सबको नमाजों का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको कुरान तिलावत से पढ़ने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको यतीमों, बेवाओं और गरीबों का सहारा बनने की हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। और अल्लाह हमारी जगह मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत करे और मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता करे। अल्लाह हमारी जमात की हिफाजत करे, हमारे जमात के कायदीन की हिफाजत करे। वाखिर दावा।